अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खरीयत से होंगे मैं अक्सर कहता हूँ ना दिमाग बड़ा पावरफुल है मोस्टली लोग शायद इस बात को मजाक समझ लेते हैं और मोस्टली लोग तो इस बात का फन उड़ा के चले जाते हैं और चैनल के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करके भी चले जाते हैं आज मैं आपको एक लाइव स्टोरी ऐसी लाइव स्टोरी एक बंदे की शेयर करने लगूँ बड़ी छोटी सी कहानी है और ये बड़ा आपको जो है ना मोटिवेट कर देगी एक बंदा मेरे पास कोचिंग के लिए आया और कोचिंग हमारी चल रही थी लेकिन कोचिंग के दौरान ही उसको कुछ ऐसा हुआ कि उसको बार बार एक दिन में तकरीबन 25 से 26 बार वॉशरूम जाने की हाजत होती यूरिनेशन उसे बहुत ज्यादा हो रही थी इतना ज्यादा यूरिनेशन देख के वो बेचारा बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा बहुत परेशान हो रहा और उसने बड़े ज्यादा जो है वो डॉक्टर्स को विजिट कर लिया बड़े टेस्ट करवा लिए बड़ा हर टेस्ट नॉर्मल हर डॉक्टर की रिपोर्ट क्लियर हर चीज क्लियर हर चीज क्लियर के बाद भी वो बंदा मतलब समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है उसने फिर ये बात मुझसे डिस्कस की जब मैंने उसकी वजह को फाइंड आउट किया उसकी वजह क्या थी उसकी वजह थी उसका दिमाग वो जहनी तौर पे अपने आप को परेशान करता जा रहा था परेशान करता जा रहा था परेशान किस बात से करता जा रहा था उसके जवान कजन को उसकी हम एज कजन को डायबिटीज हो गई थी और उसके कज़न को ये प्रॉब्लम चल रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आ रहा था उसने इसको बताया कि यार मुझे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आ रहा है और इसने अपने अंदर एक पैटर्न सोच लिया अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम डिवेलप कर लिया कि अगर उसको शुगर हो गया तो मीन्स मुझे भी शुगर हो गई है मैं भी शुगर की तरफ जा रहा हूँ जो सारे टेस्टों में नहीं आ रहा या ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा इस एक थाट पैटर्न ने उस बंदे को भगाया और बड़ा भगाया कुछ ही देर बाद उसने मेरे कहने पे अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया अपने माइंड को जब उसने रिलैक्स किया तो उसकी वो जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई पूरी दुनिया में रिसर्च की गई है और देखा गया कि 90 परसेंट हमारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हमें वो तकलीफ होती नहीं है जो हम सोच के बैठ जाते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं तो प्लीज़ ट्रेन योर ब्रेन ये मंकी माइंड है ये बंदरों की तरह ना आपको नचाता रहता है इसके पीछे नाचना बंद करते हैं तकलीफ मोस्टली एग्जिस्ट नहीं होती मोस्टली हमें वो तकलीफ़ होती नहीं जो हम सोच के बैठ जाते हैं और उस सोच की वजह से हम अपना सकून बर्बाद कर लेते हैं खुदा के लिए इस पर काम करें इस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है वीडियो का अतमाम यहीं करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा असल अल्लाह हाफिज़